वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान हमेशा से सियासत के केंद्र में रहा है, उसके बावजूद गन्ना किसान समय पर भुगतान नहीं होने से परेशान है। मोदीनगर विधानसभा में गुड़ बनाने वाले किसानों की समस्याएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय हम मोदीनगर विधानसभा में मौजूद है और आप मेरे पीछे गन्ना देख रहे होंगे। दरअसल ये गन्ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का प्रतीक रहा है और चौधरी चरण सिंह से लेकर आज तक गन्ना किसान जो हैं लगातार सियासत के केंद्र में रहे हैं और अभी भी एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की सियासत काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले जो 3 कृषि कानून लाए और फिर उनको रिपील करने की बात कही है, तो सियासत के केंद्र में किसान आ गए हैं। हम बात करेंगे जो गुड़ बनाने के कारीगर हैं उनसे। आप यहाँ से इसको बेचते हैं, किस भाव में बेच रहे हैं फिलहाल? ये फिलहाल जा रहा है जी 1100 रुपये मन जी। 1100 1100 रुपये का 40 किलो जी। इसमें पूर्ति और भरपाई नहीं हो पा रही है। हम जिसके पास नौकरी कर रहे हैं, जिस मालिक का जो है, हमें कितनी मजदूरी पड़ती है? 400-350 जी। मालिक से हम कहते हैं, मालिक परेशान है क्योंकि गुड़ बहुत सस्ते रेटों में जा रहा। जो छोटे तबके का किसान है वो बहुत परेशान है। जो पैसे वाला किसान है वो तो मील में डाल कर अपने भरपाई पूरे पैसे ले रहा है, किसान को मिल नहीं रहा है पूरा पैसा। जो मजदूर किसान है, हम मजदूरों को नहीं मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ निशांत राय, न्यू नेशन, गाजियाबाद।